हेलो गाइस, अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में मैं माजिद खान आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आर्यस 2020 की तैयारी के संदर्भ में एक स्ट्रेटेजी पर चर्चा करना चाहूंगा जो सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशरी होगी। कि तैयारी कैसे करें, कब शुरू करें, कहां से करें, सोर्स क्या होना चाहिए आदि। जनरली स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि जो मैंने अभी कहा कि तैयारी कैसे शुरू करें, कहाँ से करें, स्टडी मटेरियल इत्यादि। तो अभी अगर हम आरएएस की वैकेंसी के बारे में बात करें तो नेक्स्ट लगभग 10 महीने का समय हमारे पास है। इस दौरान हम एक अच्छी रणनीति बनाकर सिलेक्शन ले सकते हैं, और अच्छी रणनीति तभी बन पाएगी जब हम उस पर काम करेंगे। तो जनरली जो मैंने कहा था अभी कि जो जनरली क्वेश्चन उठते हैं स्टूडेंट्स के मन में, तो पहला क्वेश्चन ये रहता है कि तैयारी कहाँ से शुरू की जाए, पहले प्री की जाए या मेंस की जाए। तो मैं कहना चाहूँगा कि तैयारी सबसे पहले मेंस की शुरू की जाए, नो डाउट मेंस की शुरू की जाए। और दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि कोचिंग लें या ना लें। देखिए, कोचिंग लेना कोई बुरी बात नहीं है, कोचिंग सिर्फ आपको मार्गदर्शन करता है, इससे आपको नोट्स मिल जाएंगे। और इसको मैंने तीन तरीके से कैटेगराइज किया है। नंबर फर्स्ट, न्यू स्टूडेंट्स। नंबर सेकंड, जो ऑलरेडी तैयारी में हैं, जो मेंस लिख चुके हैं, कंटिन्यूइंग प्रोसेस में है। नंबर थर्ड, जॉब होल्डर्स। तो पहले वर्ग के लिए मैं कहना चाहूंगा कि नो डाउट उनको कोचिंग ले लेनी चाहिए। एंड सेकंड, जो लोग मेंस लुक चुके हैं या कंटिन्यू प्रोसेस में है और जॉब होल्डर्स हैं, उनको अभ्यास की जरूरत होती है, तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहिए जब तक फाइनली सिलेक्शन नहीं हो जाता। एंड नंबर थर्ड, पहले जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में ये आता है कि पहले सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ें। तो मैंने कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ बोर्ड पे लिख रखा है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड राजस्थान। राजस्थान के भी तीन पोर्शन है इसमें। ये कोर पोर्शन आपका आरएएस के नोटिफिकेशन आने से पहले इसके विद नोट्स तैयार हो जाना चाहिए, अगर आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है तो। एक बात और, ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं, प्रबंधन, लेखांकन इत्यादि, व्यवहार, विधि, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी कवर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको 200 नंबर का जो पैटर्न है, 200 नंबर का जो फोर्थ पेपर है, उसको हिंदी और इंग्लिश को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तब इसका इस स्ट्रेटेजी से आपको फायदा मिल पाएगा। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट ये रहता है स्टूडेंट्स के मन में, ये क्वेश्चन रहता है कि कहाँ से पढ़ें, मतलब सोर्स क्या होना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि इसके लिए तीन स्ट्रेटेजी रहती है। पहली, बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स में हमारी एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं, और भी बहुत सारी जो मार्केट में अवेलेबल है वो बुक्स है, उसको आप रीड कर सकते हैं। एनसीईआरटी की जब मैं बात करता हूँ तो एनसीईआरटी को कितना पढ़ना चाहिए, तो मेरा मानना ये है कि एनसीईआरटी आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी आपको सिर्फ एक लैंग्वेज देती है, आपको रिटन प्रैक्टिस देती है कि करना कैसे है, लिखना कैसे है, मेंस में लिखना कैसे है, और कुछ फैक्चुअल नॉलेज देती है। दूसरी, जो स्टैंडर्ड बुक्स आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो उनको उनमें बहुत सारा मैटर है, उनको पढ़ा जा सकता है, तो एनसीईआरटी का कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अगर किसी के पास टाइम है तो वो नो डाउट पढ़ सकता है इसको। दूसरा ये है कि नोट्स, नोट्स आजकल मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो उसमें से किसी भी कोई अच्छा सा नोट्स देखकर आप उसको कंटिन्यू पढ़ा जा सकता है। नोट्स, मेरे नोट्स कहने का मतलब हैंड रिटन नोट्स। तीसरा, जो मेन काम है, जो आपको रियल में करना है, वो ये है कि आपके सेल्फ नोट्स होने चाहिए। काम तो आपको करना है, तैयारी आपको करनी है,
पास भी आपको होना है, तो सेल्फ नोट्स आपके हैंड रिटन बने होने चाहिए। और ये जरूरी भी है, अगर मेरे नोट्स की जरूरत पड़ी तो मैं अभी अपने atulyars.in पर वेबसाइट पे नोट्स पे डाल दूंगा और वहां से आप पिक कर सकते हैं। अगला एक बहुत बड़ा इशू रहता है करंट का, करंट कितना कितना पढ़ा जाए, कब पढ़ा जाए, तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है। तो मेरा मानना है कि पूरी आरएएस की प्रिपरेशन में, आरएएस की तैयारी में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पंद्रह से 20% पोर्शन है वो करंट का रहता है। और वो किन किन सब्जेक्ट्स में रहता है वो मैं यहां भी बता रहा हूं आपको, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, ज्योग्राफी में ज्यादा नहीं है, सिर्फ भू राजनीतिक मुद्दे हैं उसमें रहेगा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छा खासा पोर्शन है, इकोनॉमी में बताया इसमें भी अच्छा खासा पोर्शन है, और राजस्थान की इकोनॉमी में। तो कौन कौन सा बताया मैंने, एक तो इकोनॉमी हो गया, एक भू राजनीतिक मुद्दे हो गए, एक इकोनॉमी हो गया और एक पॉलिटी हो गया। तो इन सब में करंट का पोर्शन ज्यादा रहता है और बताया कितने 15 से 20%। तो इसको आप क्रोनोलॉजी से कंटिन्यू प्रोसेस से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और बहुत बहुत डीपली ज्यादा करंट नहीं पूछा जाता, जनरली जो न्यूज में कुछ इशू रहते हैं या योजनाएं रहती हैं उनके बारे में पूछा जाता है, या कुछ विशेष मुद्दे होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है, तो उस पर एक आपको समझ बनानी पड़ेगी। इसके अलावा लगभग मैंने सारी स्ट्रेटजी को आपको डिस्कस कर दिया है और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर और भी कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेन जो चीज मैं बताना जा रहा हूं कि मैंने इसमें पैटर्न बनाया है कि किस तरीके से सिलेक्शन लिया जा सकता है, तो मैंने स्टडी पैटर्न बनाया। तो स्टडी पैटर्न में सबसे पहले मैं इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा कि सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए। तो मैंने अभी कहा कि आपके पास बेस्ट सोर्स होने चाहिए, मैंने एनसीईआरटी कहा, स्टैंडर्ड बुक्स कहा, नोट्स कहा, सेल्फ नोट्स कहा, तो इस तरीके से आपके पास बेस्ट सोर्स होना चाहिए। और उस बेस्ट सोर्स को चूज करके आपको एक समझ विकसित करनी है और फिर उसको लगातार पढ़ना है और फिर अभ्यास करना है। अभ्यास का मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, कहीं भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी भी अतुल्य आरएएस के नाम से है उसके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप। और फाइनली पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है, पेशेंस, क्योंकि जब हम प्री, ये तीन स्टेज में एग्ज़ाम होता है, प्री, मेंस, इतना लंबी प्रोसेस है, और कहीं ना कहीं आरपीएससी में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कई बार ये कोर्ट्स में मामले अटक जाते हैं। तो अभी आप 2018 का वैकेंसी के बारे में देख ही रहे होंगे, तो पेशेंस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो लगभग सारी स्ट्रेटजी मैंने आपसे चर्चा कर ली है, और इसके अलावा एक मेरा फॉर्मूला है सिविल्स की तैयारी के लिए, खासतौर से आरएएस यूपीएससी के लिए, जो मैंने यहाँ लिख रखा है कि आपके पास बेस्ट सोर्स होने चाहिए। जब आपके पास बेस्ट सोर्स हैं उसके बाद आपकी उस पर समझ विकसित होनी चाहिए, और जब समझ विकसित हो जाए तो फिर निरंतरता रहनी जरूरी है। उसके बाद अभ्यास जरूरी है, अभ्यास का मतलब टेस्ट सीरीज, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनली मैंने बोला है कि इसमें धैर्य की जरूरत होती है, और धैर्य जनरली टेस्ट सीरीज के बाद आप मेंस जब क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपको इंटरव्यू के दौरान इसकी जरूरत पड़ती है। तो मैंने अभी इसके बारे में बात कही, इसको 3 वर्ड्स में कंप्लीट किया जा सकता है। सबसे ज्यादा आपको पढ़ना चाहिए, सेकंड उस पर ज्यादा सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, एंड थर्ड अधिक से अधिक लिखना चाहिए। ये एक प्रोसेस रहती है सिलेक्शन की, और जनरली जितने भी सिलेक्टेड लोग होते हैं वो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। मैंने स्टैंडर्ड बुक्स को जो रिकमेंड की है
वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, वहां से आप उसको टॉपिक वाइज चूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।